जय हिंद फ्रेंड। जैसे कि जितने भी रेलवे ग्रुप डी के परीक्षार्थी हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि रेलवे मंत्रालय का ऑफिशियल अपडेट आ गया है। देखिए यहाँ पे ओरिजिनल ऑफिशियल अपडेट है, एकदम ओरिजिनल है, नो फेक है, कोई फेक नहीं है इसमें। नीचे आप देख सकते हैं, साइड में नीचे यहाँ पर देख सकते हैं मोहर है। अब इसको हम ऑफिशियल अपडेट में हम देखते हैं क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर किस तारीख को, किस डेट को ये इशू किया गया था रेलवे मंत्रालय के द्वारा। तो 13 जून को यहाँ लिखा हुआ है, 13 जून को ये महाप्रदर्शन रेल मंत्रालय द्वारा ये ऑफिशियल अपडेट ये जारी किया गया। कितने 13 जून को, इसमें एक एक पॉइंट हम देखेंगे, एक एक पॉइंट हम यहाँ जानेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले यहाँ देखेंगे इसमें ग्रुप डी किस दिन शुरू होगा। ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम एकदम शुरू है, एकदम जुलाई में एकदम चालू हो जाएगा। तो जितने भी परीक्षार्थी सोए हैं प्लीज़ अब जग जाएँ, ज़्यादा मौका नहीं है इस बार, ज़्यादा मौका नहीं है, बहुत ही कम समय है, मात्र 30 से 40 दिन समय है। प्लीज़ तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार जरूर इस वीडियो को देखें और थोड़ा आप पढ़ने में ध्यान लगाएं। अब सबसे पहले हम देखते हैं ऑफिशियल ये न्यूज़ देखते हैं, ऑफिशियल न्यूज़ क्या कह रहा है। लेकिन सबसे पहले ये देखिए मोदी सरकार का रेलवे गुमर, मोदी सरकार ही क्या कहें कि दिया है पीएम मोदी ने रिव्यू द स्टेटस द ह्यूमन रिसोर्स ऑल द डिपार्टमेंट एंड द मिनिस्टर इंट्रक्शन द रिक्रूटमेंट 10 लाख पीपल डन बाई द गवर्नमेंट मिशन मोन नेक्स्ट ईयर 1.5 यानी कि 1.5 वर्ष में, अगले 1.5 वर्ष में, 1.5 साल में टोटल 10 लाख वैकेंसी आने वाली है रेलवे की तरफ से। यानी कि प्रधानमंत्री ये कि ये ऑफिशियल ट्विटर से अकाउंट से लिया गया है। आगे देखते हैं, यदि है कि रेलवे ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट प्रोसेस विल बी एक्सेलेटर। पहले एक्सेलेटर क्या था इसका, बहुत स्लो था, लेकिन अब क्या कर दिया एक्सेलेटर इसने, अपना तेज कर दिया है। जैसे ही एनटीपीसी का एग्जाम खत्म होगा उसके बाद तुरंत ही ग्रुप डी का एग्जाम एकदम स्टार्ट हो जाएगा। अब देखते हैं ग्रुप डी वाले बच्चे जितने भी होंगे, सबसे पहले इसको ऑफिशियल अपडेट देख लेते हैं क्या है ऑफिशियल अपडेट में। सबसे पहले इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम में आप सबको अच्छा सा दिखाई देगा। यहाँ देखिए ये डेट कितने डेट का इशू हुआ था, 8/6 का इशू हुआ था। कितने डेट का, 8/6 का इशू हुआ था। लेकिन इस पर मोहर कितने तारीख को लगा था, इसमें मोहर 13 जून को इसने मोहर लगा दिया गया था रेलवे मंत्रालय के अश्विनी वैष्णव की तरफ, वैष्णव जी की तरफ से 13 जून को मोहर लग गया था। लेकिन इशू कितना हुआ था, 8 जून का। यहाँ आप देख सकते हैं ऑफिस एकदम ओरिजिनल है, 8 जून का, यानी कि 8 तारीख की ऑफिशियल अपडेट है। देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कि सब यहाँ पे देखते हैं, सब फिलिंग द नॉन मोनेटाइज पोस्टल रेलवे क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट सेफ्टी कैटेगरी डिपार्टमेंट सिविल इलेक्ट्रिक मैग्नीशियन। इसमें बहुत सारा पोस्ट दिया हुआ है, बहुत सारा वैकेंसी है, तो ये ऑफिशियल अपडेट है। तो प्लीज़ आप सभी जितने भी हैं स्टूडेंट होंगे सभी ये एक बार इसको पढ़ लें, और इसे क्या करें, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा इसका, ये आप डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ आप इसे एक बार शेयर कर दें, आप जो सही होंगे प्लीज़ आप एक बार जल्दी से जग जाए और इसे पढ़े। देखिए ऑफिशियल अपडेट, अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है मेरे भाई, मेरे स्टूडेंट, तो प्लीज़ इस वीडियो को फैला दें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।